Hey, so hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So here I am Priyanka, third year BSc Nursing student of College of Nursing, RG Corp Medical College and Hospital. So तो आज मैं कोई vlog लेके नहीं आई हूँ, ये video थोड़ी सी informative है, मैं कुछ information आप लोग के साथ share करने वाली हूँ. So मेरे कुछ viewers ने कहा था कि दीदी BSc Nursing first year में क्या क्या syllabus है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक video बनाया जाए. सो मैं 2020 की बैच हूँ एंड हमारे समय तक ही मतलब 2020 तक ही लास्ट ईयर वाइज एग्ज़ाम हुआ है. देन 2021 से INC ने इसको सेमेस्टर वाइज कर दिया, मतलब चार साल में आप लोगों को 8 सेमेस्टर देना पड़ेगा, मीन्स 1 ईयर में 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम. सो हर सेमेस्टर में क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या सब्जेक्ट रहता है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊँगी. सो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी. अगर अच्छी लगे देन अपने दोस्तों के साथ देन अपने भाई बहनों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, डोंट स्किप. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. सो ये है टोटल 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट. सो नाउ फोकस्ड ऑन द सेमेस्टर 1. सो सेमेस्टर 1 में आप लोगों को 4 पेपर देना पड़ते हैं. फर्स्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश, देन आता है अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी, इन दोनों का एक ही पेपर आता है. देन आता है अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, इन दोनों का भी एक पेपर होता है. देन आता है नर्सिंग फाउंडेशन 1. सो टोटल हो गए 4 पेपर्स. नाउ फोकस्ड ऑन टू द सेमेस्टर 2. सेमेस्टर 2 में आप लोगों को 3 पेपर देने पड़ते हैं. फर्स्ट अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, देन अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, ये दोनों एक ही पेपर में आते हैं. देन नर्सिंग फाउंडेशन 2 एंड तीसरा पेपर है नर्सिंग इंफॉर्मेटिव्स एंड टेक्नोलॉजी. सो फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर क्लियर करने के बाद आप फाइनली आ जाते हैं थर्ड सेमेस्टर पे, मतलब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है. एंड थर्ड सेमेस्टर में हैं 3 पेपर. फर्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी का, देन आता है फार्माकोलॉजी 1 एंड पैथोलॉजी 1, ये दोनों मिला के एक सिंगल पेपर आता है. देन आता है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, और हम लोग जिसको बोलते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1. सो टोटल 3 पेपर हो गए. फिर आते हैं सेमेस्टर 4 पे. फिर फोर्थ सेमेस्टर में आता है फार्माकोलॉजी 2 एंड पैथोलॉजी 2 का एक सिंगल पेपर एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक सिंगल पेपर. देन प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स इंक्लूडिंग बायोएथिक्स, इसका एक अलग से पेपर आता है. सो सेमेस्टर 4 में आप लोगों को टोटल 3 पेपर्स देना पड़ता है, फिर आपका कंप्लीट हो जाता है सेकेंड ईयर. देन आता है सेमेस्टर 5, थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर. इसमें टोटल रहता है 5 सब्जेक्ट. फर्स्ट रहता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 1, सेकेंड रहता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग 1, थर्ड रहता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, फोर्थ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन, एंड फिफ्थ में रहता है इंट्रोड्यूसिंग टू फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉज. सो ये 5 सब्जेक्ट आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा. देन आते हैं 6th सेमेस्टर पे. नाउ इन 6th सेमेस्टर पहले आते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 2, देन आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग 2, फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, फिर आता है गायनी एंड ऑप्स. सो हमारे ईयर वाइज जब तक एग्ज़ाम होते थे तो गायनी एंड ऑप्स 4th ईयर में थे, लेकिन जब से ये सेमेस्टर वाइज हो गया है तब से ये 3rd ईयर में आ गया है. सो नाउ कम्स टू द सेमेस्टर 7. फिर फाइनली आते हैं 7th सेमेस्टर पे, मतलब फाइनल ईयर. सो फाइनल ईयर में आपको पढ़ना पड़ता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 एंड नर्सिंग रिसर्च एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, एंड फिर आते हैं गार्डियन ऑप्स का पार्ट 2. सो ये 3 पेपर आपको सेमेस्टर 7 में देना पड़ेगा. फिर आते हैं सेमेस्टर 8 पे. सो सेमेस्टर 8 पे इंटर्नशिप और रेसिडेंसी पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है. सो टोटल 4 साल का कोर्स है, जहाँ पे 3.5 साल आप लोगों को टोटल 30 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा. फिर आता है 6 महीने, जिस 6 महीने पे आप इंटर्नशिप करोगे, फिर आपका फाइनली बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स कंप्लीट होता है. सो मुझसे जितना हो सका मैंने उतना इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगे देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपके मन में कोई क्वेरी और क्वेश्चन है या फिर आप किसी वीडियो की डिमांड करते हैं देन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बता दीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.